हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन प्रीटी गर्ल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं बनाने वाली हूं स्किन वाइटनिंग राइस क्रीम। अगर आपको भी ऐसी फैबुलस क्रीम बनानी है तो आप कहीं मत जाइए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें साफ़ चावल चाहिए, एक फ्रेश एलोवेरा पत्ती और मिल्क एंड वाटर एंड रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून चावल लिया है और उसे रात भर पानी में भिगो के रख दिया है। इसके बाद मैं एक पैन लूँगी और उसमें भिगोए हुए चावल को ऐड कर लूँगी। फिर हम इसमें 5 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद 5 टेबल स्पून मिल्क ऐड करें। आप चाहें तो इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा भी सकते हैं अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्रीम बनाना चाहते हैं तो। इसके बाद हमें इसमें फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल के इसमें ऐड करना है। 1 पत्ते एलोवेरा का जेल पूरा ऐड कर देना है इसमें। अगर आप बड़ा पत्ता है तो आप आधा भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसे गैस पे रख देंगे और इन सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके 10 से 15 मिनट तक पका लेते हैं और बीच बीच में इसको चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि ये चिपकने ना पाए, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। ये राइस क्रीम हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे स्किन को 1 से 2 शेड ब्राइट करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने कामों में इतना बिजी होते हैं कि अपने स्किन का केयर ही नहीं कर पाते और हमें टैनिंग संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसके पीछे हमारी ब्यूटी जो है छिप जाती है। तो ये राइस क्रीम उस ब्यूटी को वापस लाने में मदद करने वाला है। 7 मिनट हो गया है मुझे इसे पकाते, लेकिन अभी ये आधा पका है। अभी मैं इसे 5 मिनट और पकाऊँगी। हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाना ही है। ये देखिए, ये लगभग पक चुका है। अब मैं इसे गैस से उतार देती हूँ और मैं एक जार लूँगी और इसे जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे बहुत ठंडा नहीं करना है, हल्का जब ये गर्म रहे तभी ग्राइंड करना है। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब आप एक साफ़ कपड़ा लें और एक बाउल में इसे छान लें, जैसे मैं आपको छान के दिखाऊंगी। ये बहुत ही थिक हो चुका है, जल्दी छनेगा नहीं, इसलिए इसको हाथ से दबा दबा के छानना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, एकदम क्रीम जैसा ये निकल रहा है। इस क्रीम को आपको ऐसे ही इसको छान के बाउल में निकाल लेना है। ये गाढ़ा हो चुका है इसलिए ये पानी की तरह नहीं छनेगा, इसे हमें ऐसे ही छानना पड़ेगा। ये देखिए, ये तो अभी से क्रीम जैसा दिख रहा है, बट हमारी क्रीम अभी रेडी नहीं हुई है। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करूँगी और 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई हूँ, बट हमें इस क्रीम को बनाने के लिए कोकोनट ऑयल की भी ज़रूरत होगी। अब हम इन सी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, इसेंशियल ऑयल। मैं 2 or 3 ड्रॉप्स इसेंशियल ऑयल के ऐड कर रही हूँ। मैंने इसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लीजिए। इसेंशियल ऑयल हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, इसका यूज करने से क्रीम जल्दी ख़राब नहीं होगी और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करूँगी और मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए दोस्त, हमारी राइस क्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे एक कंटेनर में भर के रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख दीजिए। आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे क्रीम ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। अब मैं आपको इसे लगा के दिखा रही हूँ और ये देखिए, ये कितनी अच्छी क्रीम बनी है, आप खुद देख सकते हैं। आप इसका यूज कभी भी कर सकते हैं और ये क्रीम देखिए कितनी शाइन कर रही है ना।
अब मैं इसे आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लगाने में भी कितना अच्छा है और एकदम ईजिली लग जा रहा है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास।